और आज कांग्रेस पार्टी के कई प्रत्याशी भी नामांकन भरने की तैयारी में है। दरअसल मध्य प्रदेश में राजगढ़ से दिग्विजय सिंह अपना नॉमिनेशन फाइल करने की तैयारी में हैं। ग्वालियर से प्रवीण पाठक भरेंगे नामांकन। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन होगा। कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत पर्चा करेंगी दाखिल। तो आज आप देखेंगे कि कई कांग्रेसी प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। एमपी में आज राजगढ़ से दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल करेंगे, ग्वालियर से प्रवीण पाठक अपना पर्चा भरेंगे, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन होना है, जहां कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत पर्चा दाखिल करने वाली है। और भोपाल से खबर है जहां बसपा के दो और प्रत्याशियों का ऐलान। जी हां, ग्वालियर से कल्याण सिंह कंसाना प्रत्याशी चुने गए, गुना लोकसभा से धनीराम चौधरी प्रत्याशी बनाए गए हैं। और इस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया बसपा के दो और प्रत्याशियों का, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ग्वालियर से कल्याण सिंह कंसाना और गुना से धनीराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। भोपाल से मिल रही जानकारी अभी कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इस लोकसभा चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान तो किया जा ही रहा है, साथ ही अब दो और सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और रायपुर में बीजेपी के नामांकन रैली का आयोजन होना है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय दोनों डिप्टी सीएम समेत शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दौरान नजर आने वाले हैं। रैली को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी के नामांकन रैली का आयोजन होगा और सीएम विष्णुदेव साय दोनों डिप्टी सीएम समेत छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दौरान नजर आएंगे। आपन से यही आग्रह है कि अभी के जो लोकसभा चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब तैयार हो ना? नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? हमर नरेंद्र मोदी जी 10 साल तक रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा हमर देश के 140 करोड़ भारतवासी मन के चिंता करते हैं, करीन है। गांव गरीब किसान मजदूर सबके चिंता और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इला मूल मंत्र मानते हुए काम करीन है। आगे मला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के